Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कैनेडियन हुकूमत का कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले शहरियों और कारोबारों की इमदाद के लिए बड़ा इकदाम, 82 बिलियन डॉलर का पैकेज पेश कर दिया। हेल्थ कैनेडा की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने के लिए मयार पर पूरा ना उतरने वाली मसनूआत तक लोगों की रसाई में नरमी का फैसला किया गया है। कैनेडियन सूबे क्वेबेक में कोरोना वायरस के सबब पहली हलाकत, मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 9 हो गई। मॉन्ट्रियल में कोरियन कॉन्सुलेट ने नस्ल परस्ती पर मबनी वाकयात के बाद अपने शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। इटली स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा, दुनिया भर में हलाकत खेज, वायरस 2,21,579 से जायद अफराद को मुतासर कर चुका है जबकि अब तक हलाकतों की मजमू तादाद 9,000 हो चुकी है। कोरोना वायरस, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में जंगी हालात के नफाज का ऐलान कर दिया, अमरीका में सियासी पनाह के ख्वाहिशमंदों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। सदारती उम्मीदवारों के लिए नामजदगी हासिल करने के लिए डेमोक्रेट पार्टी में बर्नी सैंडर्स और जो बाइडन के दरमियान मुकाबला सेनेटर सैंडर्स के हाथों से बजाहिर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन का कोरोना वायरस के हवाले से जापान की सलाहियतों का एतराफ, जापान की बनाई गई दवा कोरोना वायरस पर मुअसर साबित हो रही है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। खबर शामिल कर लेते हैं, आपको बताएं कैनेडियन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब मुतासर होने वाले शहरियों की मदद का फैसला किया गया है। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की अहलियत मौजूदा सूरत हाल, इलाके में मुलाजमतों की शरह गुज़िश्ता 52 हफ्तों में काम के घंटों से मशरूत होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब मुतासर होने वाले शहरियों की मदद का फैसला किया गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ऐलान करदा 82 बिलियन डॉलर के पैकेज में मुलाजमत पेशा अफराद और कारोबार इमदाद के अहल होंगे, जिसमें से 27 बिलियन डॉलर उन लोगों की बराह रास्त इमदाद के लिए हैं जो अपने अहले खाना की किफालत के लिए काम की तलाश कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की अहलियत मौजूदा सूरत हाल, इलाके में मुलाजमतों की शरह गुज़िश्ता 52 हफ्तों में काम के घंटों से मशरूत होगी। हुकूमत की जानिब से लोगों को जल्द से जल्द अप्लाई करने को कहा गया है ताकि ये मालूम हो सके कि कौन कौन अहल है। हुकूमती इमदाद के अहल करार दिए जाने वालों को फी हफ्ता $573 अदा किए जाएंगे। इमदाद की दरख्वास्तें सर्विस कैनेडा के दफ्तर या हुकूमती वेबसाइट पर जमा कराई जा सकती हैं। कुछ बात कर लेते हैं, महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि हैंड सैनिटाइजर और जरासीम कश मसनूआत जैसी अशिया की मार्केट तक रसाई में नरमी की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेल्थ कैनेडा की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने के लिए मयार पर पूरा ना उतरने वाली मसनूआत तक लोगों की रसाई में नरमी का फैसला किया गया है। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि हैंड सैनिटाइजर और जरासीम कुश मसनूआत जैसी अशिया की मार्केट तक रसाई में नरमी की जाएगी। हेल्थ कैनेडा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उन अशिया की मांग में इजाफे के सबब आर्जी तौर पर यह फैसला किया गया है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद किया जा सके। उन मसनूआत में सैनिटाइजर, जरासीम कुश मसनूआत और जाती इस्तेमाल की चीजें जिनमें मास्क वगैरह शामिल है। बयान में कहा गया है कि पैकेजिंग और लेबलिंग जैसी शरायत पूरी ना करने वाली मसनूआत को कनाडा भर में फरोख्त की इजाजत होगी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं कनाडा भर में मोहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 727 तक जा पहुंची है जबकि 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्वेबेक में कोरोना वायरस के सबब पहली हलाकत हो चुकी है जबकि सूबे में वायरस के केसेस की तादाद 94 हो चुकी है। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि सूबे में हालात काबू में है, आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। कैनेडा भर में मोहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 727 तक जा पहुंची है जबकि 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के सबब एमरजेंसी नाफिज़, जबकि मोहलिक वायरस के 25 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासर अफराद की तादाद 208 हो गई है। महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस
वायरस से निमटने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि हमारी कोशिश है कि यौमिया 5,000 तक टेस्ट किए जा सकें। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में भी कोरोना वायरस केसेस की तादाद 231 हो गई है, जबकि 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। वाज रहे कि कैनेडा भर में मोहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 727 तक जा पहुंची है, जबकि 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। कुछ बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल में। कोरियन कॉन्सुलेट की जानिब से अपने शहरियों के लिए इंतबाह जारी किया गया है, जिसमें उन्हें मोहतात रहने को कहा गया है। ये इकदाम गुज़िश्ता हफ्ते 2 कोरियन शहरियों पर हमले के बाद सामने आया है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में कोरियन कॉन्सुलेट की जानिब से अपने शहरियों के लिए इंतबाह जारी किया गया है, जिसमें उन्हें मोहतात रहने को कहा गया है। ये इकदाम गुज़िश्ता हफ्ते 2 कोरियन शहरियों पर हमले के बाद सामने आया है। वार्निंग में एशियाई खदोखाल वाले अफराद के खिलाफ तासुब बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है, जो कोरोना वायरस के सबब बढ़ा। मॉन्ट्रियल में मुख्तलिफ वाकियात में 2 अफराद को निशाना बनाया गया था। पुलिस की जानिब से तासुब के वाक़े पर मालूमात नहीं दी जा रही। पुलिस की जानिब से दोनों वाकियात की तहकीकात की जा रही है और दोनों को नफरत पर मबनी वाकियात के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी मॉन्ट्रियल में चीनी कम्युनिटी की इबादतगाहों को निशाना बनाया गया था। खबर शामिल कर लेते हैं। मोहलिक कोरोना वायरस ने दुनिया के 173 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बाद दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 9,000 से तजावुज कर गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इटली स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वायरस ने दुनिया के 173 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बाद दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 9,000 से तजावुज कर गई है। बैनुल अक्वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली में कोरोना वायरस में 24 घंटे के दौरान 455 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 2,978 तक पहुँच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इटली में मजीद कई हज़ार से ज़ायद केसेस सामने आए, इसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 35,713 से भी तजावुज कर गई। इटली के इलाके लोम्बार्डी और मिलान को वबा का मरकज करार दिया जा रहा है, जहां 1500 से ज्यादा अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने इटली के 14 सूबों की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को लॉकडाउन कर दिया है, जिसके बाद इटली की सड़कें और सियाती मकामात वीरान पड़े हैं। दुनिया भर में हलाकत खेज वायरस 2,21,579 से ज्यादा अफराद को मुतासर कर चुका है, जबकि अब तक हलाकतों की मजमू तादाद 9,000 हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक चीन में मजीद 8 अफराद की मौत वाकई होने के बाद हलाकतों की तादाद 3,245 हो चुकी है, जबकि 34 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 80,928 तक पहुंच गई है। ताहम सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 70,420 हो चुकी है। ईरान में इस हलाकत खेज वबा से 1,135 अफराद हलाक हुए, जबकि अमरीका में हलाकतों की तादाद 155 हो गई। स्पेन में 638, फ्रांस 264, बरतानिया में 104, जनूबी कोरिया 91, नीदरलैंड 58, जापान 32, स्विट्जरलैंड 33, जर्मनी 28, इंडोनेशिया में 19, बेल्जियम में 14 अफराद मोहलिक वायरस से अब तक हलाक हुए हैं। कुछ बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में जंगी हालात के नफाज का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस टास्क फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में जंगी हालात के नफाज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को जंग के तौर पर ले रहे हैं। सदर ट्रंप ने अमरीका में सियासी पनाह के ख्वाहिशमंदों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। फेडरल ड्रग अथॉरिटी को दवाओं के लिए शराइत नरम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। अस्पतालों को कहा गया है कि मखसूस ऑपरेशन और डेंटल सर्जरीज मुअत्तल की जाएं। ट्रंप ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को हजारों नए वेंटिलेटर्स हासिल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी ने सदर ट्रंप से सवाल किया कि आप कोरोना को चाइना वायरस क्यों कहते हैं। अमरीकी सदर ने जवाब दिया कि यह बीमारी चीन से आई है, इसलिए ख्याल रहे कि अमरीका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई है। अमरीका की तमाम 50 रियासतों में वायरस के मरीज सामने आ गए हैं। हलाकतों की तादाद 155 हो गई। अमरीका कैनेडा सरहद गैर जरूरी सफर के लिए बंद कर दी गई है। उधर पेंटागॉन के 89 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। पेंटागॉन ने 50,00,000 मास्क फराहम करने का ऐलान कर दिया। वजीर दिफा मार्क एस्पर का कहना है कि पेंटागॉन ने अस्पतालों के लिए इजाफी 2,000 वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए हैं। अस्पतालों की मदद के लिए 2 मेडिकल जहाज भी तैयार कर लिए गए हैं। कुछ बात करेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स, जहां मुसलमानों, हस्पानवियों और सयाफामों के हामी समझे जाते हैं और वो उनके मसाल पर खुलकर बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि डेमोक्रेट पार्टी में जो बाइडन से कुछ पीछे रह गए हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
सदारती उम्मीदवारों के लिए नामजदगी हासिल करने के लिए डेमोक्रेट पार्टी में बर्नी सैंडर्स और जो बाइडेन के दरमियान मुकाबला सेनेटर सैंडर्स के हाथों से बज़ाहिर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सदारती इंतखाबात में ट्रंप का मुकाबला जो बाइडेन से हो सकता है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स जहाँ मुसलमानों, हस्पानवियों और सियाफामों के हामी समझे जाते हैं और वो उनके मसाइल पर खुलकर बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि डेमोक्रेट पार्टी में जो बाइडेन से कुछ पीछे रह गए हैं। वाज़ेह है कि डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदारती नुमाइंदगी हासिल करने के लिए 1991 नुमाइंदों की हिमायत हासिल करना जरूरी है और ताहाल जो बाइडेन 1147 जबकि बर्नी सैंडर्स 861 नुमाइंदों की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि जो बाइडेन ने काफी बढ़तरी हासिल कर ली है। चीन ने कोरोना वायरस के हवाले से जापान की सलाहियतों का एतराफ़ कर लिया, अहम पेशरफ करार दिया। इतलात के मुताबिक चीन ने कहा है कि जापान में इन्फ्लुएंजा की नई किस्म के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा कोरोना वायरस पर मुअसर साबित हो रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने कोरोना वायरस के हवाले से जापान की सलाहियतों का एतराफ़ कर लिया, अहम पेशरफ्त करार दिया है। इतलात के मुताबिक चीन ने कहा है कि जापान में इन्फ्लुएंजा की नई किस्म के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा कोरोना वायरस पर मुअसर साबित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के एक अहदेदार ने बताया कि दवा के असरात वुहान और शेंजन में क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान हौसला अफजा रहे हैं। इस दवा को 340 मरीजों को इस्तेमाल कराया गया और अहदेदार ने बताया कि बहुत ज़्यादा महफूज होने के साथ इलाज में वाजे तौर पर मुअसर साबित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन मरीजों को शेंजन में ये दवा इस्तेमाल कराई गई थी उनमें टेस्ट मुस्बत आने के 4 दिन बाद वायरस ख़त्म हो गया, जबकि इस दवा के बग़ैर मरज की अलामत के लिए दीगर अद्वियात के इस्तेमाल से सेहतयाबी में औसतन 11 दिन दरकार होते हैं। जापानी हुकूमती ज़राए का कहना है कि एक्सरे से भी इस नई दवा के इस्तेमाल से 91% मरीजों के फेफड़ों की हालत में भी बेहतरी की तस्दीक हुई, जबकि दीगर अद्वियात में यह शराब 62% के करीब होती है। इस दवा को फ्यूजी फिल्म टोयामा केमिकल ने 2014 में तैयार किया था, ताहम उसने चीनी दावे पर कोई बयान जारी करने से इंकार किया। इसके साथ ही टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टेक टीवी।